हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ चैटिनाड एकेडमिक ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर इज। देन आपको उसमें टाइप करना है चैटिनाड एकेडमिक ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन 2023 एस पेपर IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको चैटिनाड से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया है चैटिनाड एकेडमिक ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए, 6 मार्च को स्टार्ट हो चुका था। एंड देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म है जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाउस क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स। पर आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है आपको अपना सबसे पहले अपना नेम डालना रहेगा, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। देन आप उस ओटीपी को टाइप करेंगे देन यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट सिटी, फिर आपको सेलेक्ट स्कूल करना, देन सेलेक्ट प्रोग्राम एंड देन सेलेक्ट कोर्स करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिएगा। आप उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे देन यहाँ पे आप आई ग्रेड पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। बट अगर आपने पहले रजिस्टर किया था तो सिर्फ आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देन आप आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है। बट हम न्यू हैं तो पहले हम रजिस्टर करेंगे देन उसके बाद आपको जो है आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप उस वेरिफिकेशन कोड को टाइप करेंगे या फिर एक लिंक आएगा देन आपको उस पर क्लिक करना होता है। देन उसके बाद आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आपको जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड देन आपको जो है पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में आपको अपने फादर नेम, मदर नेम, उनका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर देना होता है। देन ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, जॉब करते हैं एंड देन आपको जो है एनुअल इनकम बतानी होती है अपने फादर या मदर की। देन उसके बाद आपको जो अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इसमें आपको अपना 10th and 12th का परसेंटेज बताएंगे, कितने परसेंटेज आया था UG एंड PG कोर्सेज का भी। एंड देन आपको जो है अपना बताना था आपने कौन से स्टेट से स्टडी किया था, कौन से यूनिवर्सिटी से एंड कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था। देन उसके बाद आपको जो है अपना एड्रेस बताना होता है, इसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड देन कंट्री, नेशनलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन आपको अपना 10th and 12th का मार्कशीट देना होता है, यू जी एंड पी जी कोर्सेज का सर्टिफिकेट देना होता है, फोटो देना होता है, JPG या PNG फॉर्म में, देन आधार कार्ड का नंबर देना होता है एंड या फिर आप उस कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको देनी होती है एंड देन आपको सिग्नेचर करना होता है। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना होता है कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। अगर आपको सारे इन्फॉर्मेशन सही है तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।